बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये एक्साइज एंड टैक्सेशन, कल जो पेपर हुए हैं 28/10/2018 को मॉर्निंग सेशन में हुए हैं और इवनिंग में पेपर फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों पेपर को मैं साइड बाय साइड हल करूंगी इंशाल्लाह ताला। एक वीडियो मॉर्निंग सेशन से होगी और एक वीडियो इवनिंग सेशन से होगी। तो ये पहला वीडियो है आज मॉर्निंग सेशन के, इसके पहले 20 क्वेश्चन अपलोड करना चाहता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला घंटा दो घंटे बाद इवनिंग सेशन वाले के 20 क्वेश्चन भी अपलोड कर लूंगा। इस तरह टोटल 5 वीडियो बनेंगे इसके। एक वीडियो में इसलिए इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको देखना फिर मुश्किल होता है, बंदा बोर हो जाता है, इसलिए इसको मैंने बॉयकॉट्स किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पेपर हमारे पास मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिस दोस्तों को चाहिए फेसबुक पर पेपर सारे मौजूद हैं, इस पर कोई शक नहीं है, फेसबुक पर सारे पेपर मौजूद हैं, जिन्होंने डाउनलोड करने अपने लॉग कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये देखा दोस्तों, ये पेपर जो था मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम हुआ था, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर है 2018 का, पेपर हेल्ड ऑन 28/10/2018 फर्स्ट टाइम मीन इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 दिस वन, विन द सोवियत यूनियन इन वेडिंग अफगानिस्तान, जिसको हम रशिया कहते हैं, रूस ने अफगानिस्तान पर कब हमला किया था? तो ये दिसंबर की बात है 79 की, 24 दिसंबर 79, ऑप्शन बी। दोस्तों एक थोड़ी सी बात इसके बारे में, 2003 में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में गया था, इंटरव्यू देने गया था एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स का, तो उस वक्त जो चेयरमैन थे केपी के एनडब्ल्यूएफ था, उस वक्त उसके जो चेयरमैन था उसने इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने मेरे सामने एक चार्ट रखा और चार्ट में मुख्तलिफ फिगर लगे हुए थे और मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने उसको कहा कि ये IMF का डेटा है। तो उसने कहा कि इसमें कोई ट्रेंड आपको नजर आ रही है? मैंने कहा यस सर, इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रही है। तो कहे कि वो इंक्रीज कहाँ है? मैंने कहा कि 79 में IMF से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कर्जा लिया था। तो उसने जवाब क्वेश्चन में कहा कि क्यों लिया था? तो उस वक्त मेरा जवाब हो गया क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता, 79 में बहुत सारे महाजरीन पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त से IMF ने पाकिस्तान को काफी पैसे दिए हुए थे। तो ये तो दत्त, और ये जो अफगानिस्तान, और ये जो था 9 साल तकरीबन ये जंग रही थी अफगानिस्तान के, ये 24 दिसंबर 79 गया था और 15 फरवरी 89 तक रशिया अफगानिस्तान में रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी को देखें, 13.4 मीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है, दिस वन, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, में भी क्यों कहते हैं, फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी को देखें, दिस इज दोस्तों लीकेंसिल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, अशगाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में कायम हुआ था और इसकी इनॉग्रेशन जो थी का इजाजत नहीं की थी दोस्तों, और इसका पहला गवर्नर जो था ये जाहिद हुसैन थे, जाहिद हुसैन, और कब से कब तक थी ये 10 जून 1948 लेके 19 जुलाई 1953 तक ये इसके गवर्नर रहे। मौजूदा वक्त में इसका गवर्नर जो है वो तारिक बाजवा है दोस्तों, तारिक बाजवा। क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमारे पास पेपर में, फिलिंग द ब्लैंक्स, न्यू लेजिस्लेशन वाज पास्ट, वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द असेंबली, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी
ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इज ए. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देखिए. क्वेश्चन नंबर सेवन बायोस. बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बायोस होता क्या है? बायोस में वो जो बुनियादी फाइलें होते हैं जिससे कंप्यूटर बूट होता है, command.com, io.sys वगैरह वगैरह, इस तरह के फाइलें वो बायोस में होते हैं. जब अक्सर बायोस सड़ जाता है तो उसको हार्डवेयर वाले के पास लेके जाता है कि बहुत मुश्किल काम है कि उसको फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर करते हैं, जो भी करते हैं. लेकिन ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होते हैं. एक अलग चिप होते हैं जो कि मदरबोर्ड पर लगा होता है. अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट को देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर एट, तो टू मूव बिटवीन द वर्कशीट्स एंड अ वर्कबुक एंड एमएस एक्सेल वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स. Alt+ F9, Alt+Tab, Alt+ पेज अप एंड डाउन. पेज अप एंड डाउन, इसके साथ पेज अप एंड डाउन भी आपने करना है. तो इसमें दो बातें हैं. एक आपने याद रखें, वर्क बुक हम किसको कहते हैं, वर्कशीट किसको कहते हैं. एक्सेल के हर फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं. एक्सेल के फाइल को जब हम सेव कर लेते हैं तो देट इज वर्क बुक. लेकिन जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो उसमें मुख्तलिफ शीट्स होते हैं, तो देट शीट्स आर कॉल्ड वर्कशीट. तो एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए कहते हैं कि हमने क्या इस्तेमाल करना है. देखिए जरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. ये मैंने एक्सेल खोला हुआ है. देखिए नीचे हमारे पास ये हमारे पास शीट्स है. इस वक्त हमारे पास शीट तीन शीटें. हम बहुत सारी शीट्स इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वक्त आने पर बात कहेंगे. लेकिन देखिए जब आप मैं एक शीट से दूसरी शीट पर जाना चाहता हूँ, आपने देखा शीट वन पर हूँ तो मैंने क्या करना है कि मैंने पेज डाउन कंट्रोल पेज डाउन दबाया तो नीचे आगे शीट पर चला गया. फिर दबाता हूं तो देखिए अगले शीट पर जाता है. पेज कंट्रोल पेज अब दबाता हूं तो मैं प्रीवियस शीट पर जाता हूं. ठीक है दोस्तों, इन बातों को याद रखना है. तो यहां देखिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज डी. कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन के साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम एक शीट से अगर हम नेक्स्ट जाना चाहते हैं या प्रीवियस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप एंड डाउन से ऐसा हम कर सकते हैं. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए. क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, नेम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय साहिबजादा अब्दुल कयूम खान इन के पी के फॉर्मर NWFP. इस्लामिया कॉलेज जो था इसकी बुनियाद जो थी ये साहिबजादा अब्दुल कयूम खान ने कब रखी थी? 1913 में दोस्तों, 1913. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, टू जूम एन एक्सेल वर्कशीट वी कैन यूज द माउस पॉइंटर इन फ्रंट ऑफ यू, द जूम बटन ऑन द फ्रंट प्रीव्यू बटन, द जूम कमांड ऑन द, तो ऑल ऑफ दीज ऑल ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 हमारे पास है, कहते हैं कि 6+5x = 30-x, 6+5x = 30-x. ये तो कहते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी. अब देखिए इसको मैंने यहां पर हल किया हुआ है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों. ये हमारे पास क्वेश्चन है पहला, ये तो इसको अब क्या क्या लिख सकते हैं. देखिए 6+5x = 30-x. 6 को इस तरफ ले आओ और x को दूसरी तरफ ले आओ इक्वेशन के बराबर, तो ये आ जाएगा 5x + x आ जाएगा. 5x + x बन जाएगा ये, और दूसरा बन जाएगा 30-6. तो ये 5 और 1 जमा कर तो 6x बन जाएगी दोस्तों, ठीक है. और 30 से 6 माइनस कर तो 24 बन जाएगी. और दोनों साइड को 6 पर डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, खाली जगह है, वो द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट ODI एंड टेस्ट मैचेस. हाँ, सना मीर जो था ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन थी. पाकिस्तान टीम कब वजूद में आई थी? 1997 में मेरे ख्याल में दोस्तों. और पहला जो उसने मैचेस कराए थे, एक सीरीज थी उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तमाम की तो उस पहले सीरीज में हार चुकी थी. और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, When first Nobel Prize was awarded 1901 में किसने लिया था? आगे नीचे यही बात भी इसी तरह के क्वेश्चन और आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. क्वेश्चन नंबर 14 दिस वन 14 चार्लिस डार्विन
was laid down a framework for the theories of evolution belongs to UK. ये UK से belong करता था दोस्तों. This one option is the correct option. Question number 15 हमारे पास है. Question number 15. All the files deleted from the computer are initially moved to recycle bin, my computer, my network places, internet explorer. ये तो सब ही जानते हैं कि ये recycle bin में जाते हैं. लेकिन बड़े files जिस तरह आप एक मूवी को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता. क्यों नहीं जाता क्वेश्चन? क्योंकि रिसाइकल बिन का स्पेस जो है वो 200 एमबी राउंड अबाउट इतने होते हैं. आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं राइट, और उसमें करते हैं राइट कॉलम पर राइट क्लिक करके उसमें उसको मैनेज करोगे तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. लेकिन बड़े फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं चले जाते हैं, वो डायरेक्टली आउट डिलीट हो जाते हैं. अगर हम छोटे फाइलों को डिलीट करना चाहें और हम कहें कि ये रिसाइकल बिन में न चले जाएं, तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी है तो उसको हम चेक मार लगा लें तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगे. और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जब हम डिलीट करते हैं तो उसके साथ शिफ्ट की दबा लें, शिफ्ट की उसके साथ प्रेस रखें और डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा. ये चीजें भी याद रखनी की है. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. क्वेश्चन नंबर 16, The Rowing City Taxala is located in Punjab. ये तो पंजाब में है. Taxala जो है Taxala में ही है. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 देखें. क्वेश्चन नंबर 17, this one. What is the number of permanent members of United Nations Security Council? Security Nation के total member जो है ना 15 है दोस्तों. 15 out of 15, 5 members are permanent. 5 member जो है वो permanent में है. कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. और बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं. वो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं. वो हर 2 साल के लिए वो मुंतखब होते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है. पाकिस्तान नेशनल एंथम वॉज अप्रूव बाई द गवर्नमेंट इन 1954. 1954. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कुछ पेपर में सही तरह नजर नहीं आ रहा था. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन मेक बॉन्ड विद मोर 4 एटम दैट हैज प्रीवियसली सीन एट इट्स. मेरा ख्याल के मुताबिक तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसको आपने कंफर्म करना है. ऑप्शन डी उसमें नजर ही नहीं आ रहा था सही तरह, तो इस सॉल्व को आपने खुद कंफर्म कर देना है. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. अ हाई क्वालिटी कैट सिस्टम, कैट कैट स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन है. कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग, दूसरा एक लफ्ज है कैम, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग जो है ये कौन क्या इस्तेमाल, प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं, लाइन प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, आप दीजिए डिजिटल प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं. प्लॉटर्स क्या हैं? प्लॉटर में जितने ये बड़े बड़े बैनर्स हम प्रिंट करते हैं दे आर कॉल्ड वो प्लॉटर्स हैं. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एक्साइज एंड टैक्सेशन मॉर्निंग सेशन की पहली वीडियो. इस तरह रोजाना एक की बिना पर एक एक वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा. तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला दूसरे एनी सेशन का वीडियो भी अपलोड करूंगा. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक करें, शेयर तो लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.